कथा सात, श्री राम गुण दर्शन। आदर्श पति। श्री राम अने जानकी नो विवाह समारंभ पूर्ण करीने जानकी पाछी अयोध्या आवी हती। छेला 8-10 दिवस थी नगर मा उत्सव नो पूरु वातावरण जामेलू हतु। रिवाज प्रमाणे श्री राम कई भेट उपहार आपशे एम उत्सुकता थी जानकी विचारी रही हती। श्री रामे अत्यंत सुंदर नवलखो हार जानकी ना गळामां पहेराव्यो। ए कंठमाना हार ने आंखमां भरीने आनंदी अरीसामां निहाळी रही हती। एनो चेहरो चंद्रनी जेम खीली उठेलो। आ हार थी पण वधु एक मूल्यवान वात जानकी हुं तने आपवानो छुं। ए एवी वात छे के जे इक्ष्वाकु कुळमां ज नहीं कोई पण राजाए हजी सुधी आपी ना होय। जानकी रोहिणी साथे चंद्रनी साक्षीए, अरुंधती साथे आकाशमा विराजमान सप्तर्षिनी साक्षीए, सर्व देव देवादी 12 नक्षत्र 8 दिक्पाल 8 वसु मरुदगण अने मारा महान कुलना सर्व महान पूर्वज पुरुषों ने स्मरीने आ दशरथ नंदन राम तने आजे वचन आपे छे के रामना जीवन मा जनक नंदिनी सीता सिवाय बीजी कोई स्त्री आवशे नहीं। भले एक वार पर्वत चढ़े तारा मार्ग मुके पण आ राम पोतानी प्रतिज्ञा तोड़शे नहीं। अमृत समान आ शब्दों काने पड़ता जानकी ने पूरा जगत ना सुवर्ण रजत हीरा मोती सर्व वैभव तुच्छ लागवा लाग्या। हवे ते एक आदर्श राजानी एवीज आदर्श राणी थनारी हती। श्री रामे पोतानुं आ वचन आजीवन पाळ्युं। कांचन मृगनुं रूप धारण करेल मारीचने मारीने श्री राम झड़पथी पोतानी पर्णकुटी भणी पाछा वळ्या। मरता मरता मारीचे एमना अवाजमां सीता अने लक्ष्मणने जे आर्तनाद करेल तेनाथी एमना मनमां अनेक शंका अने कुशंकाना वादळ घेराया हता। रस्तामां ज एमने दौड़तो आवी रहेल लक्ष्मण मळ्यो। लक्ष्मण, मैं तने स्पष्ट शब्दों में सूचना आपेली कि तू सीता ने एकली मुकीने त्यांथी हटतो नहीं। आ वन में जानवरों नो तो भय छे ज, उपरांत हमणा राक्षसो पण आपणी कुटीरनी आसपास आंटा मारता होय छे, ए शुं तू नथी जाणतो? एमांथी कोई राक्षस जो एक कुमळी सीतानुं भक्षण करी लेशे तो ते बहु मोटी भूल करी छे। एमना चेहरा परनी व्याकुळता अने स्वरनी अधीरता छुपाई शकती न हती। लक्ष्मण पर गुस्सो आवा छतां कई वधु ना बोलता झड़पथी ते कुटीर भणी जवा लाग्या। लगभग दौड़ता दौड़ता जारे झूंपड़ी पासे जईने जोयो तो ते खाली जणाई। जानकी, जानकी, हाक ने होकारो ना मळ्यो। एमणे आजूबाजू आगळ पाछळ बधी बाजू गभराता गभराता शोधवा मांड्यो। सीते, सीते, जानकी, जानकी, एवा पोकार चालू कर्या। आंगणामां सीताना अंबोडामांथी पड़ेला सुकायला पुष्पो तूटेला फूल झाड़ जोतां ज श्री रामनी हाम तूटी गई। लक्ष्मण, अरे मारी सीता क्यां गई? अरे इने कोई उठावी गयो के पछी खाई गयो? के लक्ष्मण, मारी सीता क्यां गई? आंखमांथी आंसू वहेवड़ावता श्री राम पागलनी जेम अहीं तहीं भटकवा लाग्या। मार्गमां मरणोन्मुख जटायु पासे थी रावण द्वारा सीता हरणना समाचार सांभळता एमना जीवमां जीव आव्यो। सीता जीवित छे ए जाणता एमने थोड़ी धीरज वळी अने ए पछी आरंभाई सीतानी शोध। अंते सीतानी शोध सारू एमने वानरराज सुग्रीव साथे मित्रता करी, एना भाईनो वध करी सुग्रीव ने पोतानुं गुमावेलुं राज्य पाछुं मेळवी आप्युं। ए सुग्रीवना साथीदार हनुमान द्वारा सीताना ठाम ठेकाणानी भाळ मेळवी समुद्र तटे सेतु बांधी लंका प्रवेश करी सीता हरण करनार रावणनो सर्व कुळ कुटुंब साथे नाश करीने सीताने मुक्त करी। कथासार। जे काळमां पुरुष माटे एक करता वधु लग्न करवा ए सर्व सामान्य वात हती अने राजमहेलमां वधारे स्त्रीओ राखवी ए राजानी प्रतिष्ठानो मापदंड मानवामां आवतो। ते काळमां एक पत्नी व्रत लेवुं अने ते आ जन्म निष्ठाथी पाळवुं ए आश्चर्यजनक ज छे ने। आगळ जतां श्री रामने सीतानो त्याग करवो पड्यो, छतां शेष आयुष्य एमना स्मरणोना आधारे ज विताव्युं।
યજ્ઞવેળાએ સપત્નિક હોવું આવશ્યક જાણીને સીતાની સુવર્ણ પ્રતિમા બનાવીને બાજુમાં બેસાડી, પણ બીજા વિવાહ કર્યા નહીં.